एक मिनट साहब, कहाँ जाना है साहब? 201. 201? 201 तो बंद है. सक्सेना साहब तो कभी का छोड़ के चले गए. आपको मालूम है कहाँ गए? ये नहीं बता सकता साहब, ऑर्डर नहीं है. देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है. आपको मंगता है तो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, उन्होंने एड्रेस देने से बिल्कुल मना किया है अपने को. देखो, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ. मेरे पास उनके नाम का एक ड्राफ्ट है. अगर मैं उनसे नहीं मिला तो उन्हें 5 लाख का नुकसान होगा और तुम्हें 500 का. थैंक यू साहब. एड्रेस? कहिए. सक्सेना साहब हैं जी? आप? आदित्य श्रीवास्तव. आइए. कहिए मिस्टर सक्सेना. लेकिन आप कौन है? जी, मैं अनुज का बड़ा भाई हूँ. रमोना घर पे नहीं है? देखिए, मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा. रमोना दोस्त थी उसकी, मैं उससे मिलकर... रमोना किसी से नहीं मिल सकती. डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है. पर उसे हुआ क्या है? अनुज की मौत से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है. वो तुमसे मिलेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए प्लीज यहां से चले जाओ. देखिए, देखो मिस्टर, तुम्हारा भाई मर चुका है लेकिन मेरी बेटी अभी तक जिंदा है. उसे उसके हाल पे छोड़ दो. मेहरबानी करके यहां से चले जाइए. मगर सर, मैंने कहा ना, प्लीज यहां से चले जाइए. रमोना, मैं आदित्य, अनुज का बड़ा भाई. मैं किसी अनुज को नहीं जानती. ऐसा मत कहो रमोना, मैं मुंबई से सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ. अनुज के साथ मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं किया. मैं किसी अनुज को नहीं जानती. मैं कुछ नहीं जानती. मैं किसी अनुज को नहीं जानती. मैं कुछ नहीं जानती. परेशान करने नहीं आया हूं. तुम अनुज से प्यार करती थी, शायद इसीलिए एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं. उसके जीते जी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया, पर उसके मरने के बाद मैं अनुज के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं. क्या वो सचमुच एक ड्रग पेडलर था? अगर हाँ तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, पर अगर ये झूठ है तो मैं उस पर लगे बदनामी के दाग को मिटाना चाहता हूं. और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. मैं होटल ड्यूक्स में ठहरा हूं. कल सुबह तक अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा. पर अगर तुमने अनुज को सच्चे दिल से प्यार किया है तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी. मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी. झगड़ा करके वो मेरे पास आया था. बहुत प्यार करता था आपसे, शायद इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था.
बहुत डिस्टर्ब था वो। जब भी उसका मूड खराब होता था हम लोग ड्राइव पे जाते थे। उस दिन भी हमने ऐसा ही किया। मैं भैया का दिल दुखाना नहीं चाहता था मगर गुस्से में मुझसे निकल गया। इट्स ऑल राइट अनुज, गुस्से में होता है। भैया भी इतना ही चाहते हैं कि तुम कोई उल्टे सीधे काम ना करो। रमुना, मैं जब भी उन्हें अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करता हूँ मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है। डोंट वरी अनुज, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं रमुना, शायद इस बार भैया मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है बे? आपका प्रॉब्लम क्या है? ए, देर रात तक गाड़ी में छोकरी के साथ चुम्मा चाटी करता है और हमको पूछता है प्रॉब्लम क्या है। हाँ, गाड़ी के बाहर आ, तेरे को पूरी डिटेल में बोलता है प्रॉब्लम क्या है। चल बाहर आ। इस टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है? बातें कर रहा था। लाइसेंस, गाड़ी का पेपर। बातें कर रहा था। और दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? चल दे लाइसेंस दे। क्यों, यहाँ पर बैठकर बातें करना मना है क्या? लाइसेंस। अरे लाइसेंस देना। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, आप इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लॉ का स्टूडेंट है, लॉ तो नहीं है ना? कानून का स्टूडेंट होना अच्छी बात है लेकिन कानून को कानून सिखाना बुरी बात है। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठकर लाइसेंस नहीं है सर। दादा तलाशी लो उसकी। कुछ नहीं सर। उसकी भी आप एक औरत की तलाशी ऐसे कैसे करवा सकते हैं? क्यों मैडम को मर्दों के टच से औरतों का टच ज्यादा पसंद है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। यादव गाड़ी में डाले सही। कौन से चार्ज में? चल बताता हूँ कौन से चार्ज में। तू चार्ज चार्ज नंबर एक, आधी रात को पब्लिक प्लेस में इश्कबाजी करना। चार्ज नंबर दो, पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन आने से इनकार करना। चार्ज नंबर तीन, पुलिस ऑफिसर्स को गाली निकालना, उन पर हमला करना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना, वो भी दारू के नशे में। दारू के नशे में मैं नहीं, तुम लोग हो। चार, एसीपी यशवंत ठाकुर से ऊंची आवाज में बात करना। झूठ है सर। एसीपी साहब से ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। अनुज, अनुज, अनुज। जी आवाज में बात करेगा? तेरी आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज, वरना उसे मार देंगे। क्या है रे? फिर से चिपकने का इरादा है क्या? चल इधर। गाड़ी में दवा रखी है। He's asthmatic. अनुज को दमे की बीमारी है। ये पुलिस स्टेशन है मैडम, यहाँ आते ही लोगों को दमा डायरिया सब शुरू हो जाता है। He's having an attack, officer. मर जाएगा वो। अरे ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अनुज भैया को, भैया
सब बच्चे। चल प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाइए। अनुज ये तुम मर गया सर? क्या बकवास कर रहा है? मेरे अनुज को मार दिया तुम लोगों ने, ये अकेले सोचने तो मुझे चल डाले से मेरी हुई है, इसको क्या मारना? हेलो, तेरी बेटी का यार अनुज श्रीवास्तव कुछ देर पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, ड्रग रनर था वो। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ तेरी बेटी को, बस थोड़ा सा सदमा पहुंचा। मेरा नाम है एसीपी यशवंत ठाकुर। मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुन। मिल गई ना तेरी बेटी? जी। चुपचाप उसको लेके यहां से निकल जा, समझना कि तुम दोनों का मुंबई से तड़ी पार हो गया। और किसी से कहना मत, वरना ठोक दूंगा तेरी बेटी को भी, समझा?